कथा के नाम पर कैसे झूठ परोसा जा रहा है? बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री झूठ बोल रहे हैं या कथावाचक अनिरुद्धाचार्य? वैसे तो भारत में हिंदू धर्म में कथा का विशेष महत्व है और कथावाचक किसी भगवान से कम नहीं पूजा जाता, लेकिन आजकल ज्यादातर लोगों ने धर्म का व्यवसायीकरण कर दिया है। झूठ बोलने और झूठ परोसने के बावजूद भी हम उनके झांसे में आ जाते हैं और भक्त बन जाते हैं। अभी हाल ही में दो प्रसिद्ध कथावाचकों ने एक ही विषय पर बयान दिया है, एक कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और दूसरे कथावाचक बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। दोनों से उनके भक्तों ने जब सवाल लहसुन प्याज पर पूछा तो दोनों के उत्तर सुनिए और मन। ये जो लहसुन प्याज की उत्पत्ति है, जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें अमृत निकला तो अमृत को देवताओं ने पिया, मोहिनी भगवान बांट रहे थे, नारायण मोहिनी बनकर बांट रहे थे अमृत। एक राक्षस ने अमृत को पी लिया धोखे से, नाम था राहु। वो देवताओं का रूप बनाया और अमृत को देवताओं के बीच में खड़ा होकर पी लिया। अब जब भगवान को पता चला कि इसने अमृत पिया, तो तुरंत उसने अमृत पिया था कि कुछ बूंद अंदर गई, कुछ दो बूंद उसके मुंह पे थी और भगवान ने सुदर्शन से उसका सिर काट दिया, तो उसके गले से होती हुई वो बूंद जो पेट में जाने वाली थी, क्योंकि गला कट जाने से पेट में इतनी स्पीड से भगवान ने सिर काट दिया कि पेट में ना जाकर वो अमृत की दो बूंद जमीन पर गिर गई। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। अब बताइए झूठ कौन बोल रहा है या दोनों झूठ बोल रहे हैं? लेकिन कमाल की बात है कि दोनों के भक्त ताली बजा रहे हैं और जय जयकार के नारे भी लगा रहे हैं। बस ऐसी ही झूठ की विषाद पर इनका कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी हो रहा है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बिना कहे और बिना सुने अपने यहाँ भक्तों के मन की बात जान लेते हैं और इसीलिए वो प्रसिद्ध हैं। पिछले एक साल में इनकी प्रसिद्धि में बेतहाशा वृद्धि हुई है। धीरेन्द्र शास्त्री जाति से ब्राह्मण हैं। दूसरे अनिरुद्धाचार्य मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। हाल ही में एक बच्चे ने इनसे एक सवाल पूछा था कि सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है, जिसका जवाब जिस तरह से इन्होंने दिया था उसमें ये बखूबी ट्रोल हुए थे। लेकिन इस बार लहसुन प्याज पर जो ज्ञान इन्होंने झाड़ा है, एक बार फिर से इनकी फजीहत होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, अशोक कुमार, INF, उत्तर प्रदेश। हम करेंगे भ्रष्टाचार की बात, हम करेंगे अपराध की बात, हम करेंगे यूपी की बात, हम करेंगे यूपी के हर मुद्दे की बात। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूं। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपए से 1200 रुपए स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहे, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।